ने देश के लोगों ने बड़े समझदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है। फिर एक बार देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को ही एक ऐसी गारंटी माना जिस पे वो विश्वास कर सकते हैं, जो अवश्य होगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात आज देश के हर युवा में, हर किसान में, हर महिला में, हर गरीब में ये बात लोगों के जहन में आ गई है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, यानी जो गारंटी मोदी जी दें वो गारंटीड होगा, ये बात फिर एक बार कायम हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक विजय के लिए। स्पष्ट रूप से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोगों के प्रति सहनशीलता से, बहुत संवेदनशीलता से और पूरे ईमानदारी से सेवा करने का पिछले 9.5 वर्ष का कार्य रहा है, उसके प्रति फिर एक बार जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और ऐसी ऐतिहासिक रिजल्ट के बाद मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में भी भारत की जनता 2/3 बहुमत से ज़्यादा NDA को देने जा रही है। और मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार से भी अधिक सीटें लेके फिर एक बार एक निर्णायक, एक ईमानदार, सुशासन देने वाली, गरीब कल्याण को और सेवा को अपनी प्राथमिकता मानने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 फ्रंट को इस अमृत काल में लागू करके देश को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने वाली सरकार भारत में आने जा रहे हैं। पीयूष जी, सुबह में कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही थी, अभी फिलहाल वो EVM को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, अगर हारे हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में इतनी समझदारी होती तो एक इज्जत से इस हार को वो स्वीकार करते और शायद लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति उनको मिल भी जाती। लेकिन एक बैड लूजर की तरह जब वो EVM को आज ब्लेम कर रहे हैं, वो EVM का अपमान नहीं है, वो भारत का अपमान है। भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है चुनाव की, भारत की जो लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, जो भारत की आज विश्व भर में प्रसिद्धि है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे विश्व की आशाएं टिकी हुई हैं, उनका विश्वास है विश्व का कि मोदी जी विश्व की समस्याओं का समाधान करेंगे, भारत आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा, ये जो विश्व का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीता है, जो उनके कार्यशैली से, उनके काम से आज विश्व में बना है, उसका अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। और इसकी इसके बारे में भारत की जनता उनसे नाराज है। भारत की जनता प्रसन्न है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस इससे हर एक 140 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रही है, स्वयं का तो अपमान कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।